हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विद आशीष। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, गवर्नमेंट ने आज दो ऐप बैन किए हैं जो कि चाइना के थे। दोस्तों, ये ऐप काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी लोगों ने इन्हें डाउनलोड किया हुआ था, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे लोग यूज़ करते हैं। तो ये आज की वीडियो पूरी देखते रहिए। मेरा नेम है आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विद आशीष। तो सबसे पहले बताऊंगा दोनों ऐप के नेम। दोस्तों, पहला ऐप का नेम है बाइडू ऐप। दोस्तों, बाइडू ऐप पहला ऐप ये है और सेकंड ऐप है दोस्तों वीबो। वीबो ऐप दोस्तों सिमिलर है इंस्टाग्राम ट्विटर के, एंड जो बाइडू ऐप है दोस्तों ये है सर्च इंजन, जैसे कि आपने सुना होगा गूगल। गूगल तो आजकल पूरे वर्ल्ड में हर कोई जानता है। दोस्तों, गूगल की बात करें तो शायद ही ऐसे कोई पीपल होगा या कोई इंसान होगा जिसे गूगल के बारे में ना पता हो। तो दोस्तों, बाइडू जो ऐप है, सर्च इंजन है, वो चाइना का बहुत 99% लोग बाइडू को यूज़ करते हैं। क्योंकि दोस्तों, शायद ये बात आपको नहीं पता होगी कि चाइना में दोस्तों गूगल नहीं यूज़ होता है और चाइना में गूगल वर्क नहीं करता। तो उनका खुद का ऐप है बाइडू ऐप, जो कि सिमिलर है गूगल के। उसमें हम सारी चीज़ें, प्रोडक्ट हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हम सर्च करके ले सकते हैं। ये तो दोस्तों चाइना में ये बाइडू ऐप चलता है। एंड दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको वीबो ऐप के बारे में। दोस्तों, वीबो ऐप काफ़ी ब्लॉगिंग ऐप है, जैसे इंस्टाग्राम ट्विटर है। ओके फ्रेंड, अब दोस्तों वीबो पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपना अकाउंट बना रखा था, जिसपे उनके 2 लाख फॉलोअर्स थे। उन्होंने दोस्तों 2015 में ये अकाउंट ज्वाइन किया था जब वो चाइना के दौरे पे थे। ओके फ्रेंड, एंड दोस्तों क्या हुआ, जैसे अब लद्दाख वाला जो मैटर था उससे होने के बाद पीएम मोदी ने अपना अकाउंट हटाया और उस पर दोस्तों उनकी 115 पोस्टेस थी, जिसपे उन्होंने 113 पोस्ट इजीली डिलीट कर दी। और जो 2 पोस्ट थी उसमें जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, उन्हें वो डिलीट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने दोस्तों परमिशन ली वहाँ से, तब वो बैन, वो पोस्ट डिलीट हुई। तो समझ सकते हो दोस्तों, एक पोस्ट करने को, पोस्ट को डिलीट करने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ी। तो समझ सकते हो काफ़ी, मतलब ईजी नहीं होता है कोई भी चाइना ऐप को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका डेटा डिलीट करना। ओके फ्रेंड, एंड दोस्तों जो आप ऐप के बारे में बताऊं मैं आपको, वीबो। दोस्तों, वीबो काफ़ी पॉपुलर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम ट्विटर, और दोस्तों ज़्यादातर सोशल मीडिया में आता है और काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, ये दोस्तों 2009 में बना था। ओके फ्रेंड, और काफ़ी ट्रेंड में रहा है। इसे सीना कॉरपोरेशन एक कंपनी थी जिसे इसने बनाया था, जिसे कहते हैं सीना वीवो भी कहते हैं और सिंपली वीवो भी कहा जाता है। जैसे इसे, ये दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग में काउंट होता है। ओके फ्रेंड, और दोस्तों काफ़ी कंपनीज इसे यूज़ करती है, जैसे कि ट्विटर, आपको पता कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप इजीली शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड, और दोस्तों काफ़ी ट्रेंड में रहा। जैसे मैंने आपको बताया जो पीएम मोदी के इस पे दोस्तों फॉलोअर्स थे, 2,44,000 इस पे पीएम मोदी के फॉलोअर्स थे, जो कि इन्होंने अपना अकाउंट डिलीट करने के बाद सारा बैन करा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बाइडू ऐप के बारे में। दोस्तों, जो बाइडू ऐप था, ओके फ्रेंड, उसमें दोस्तों क्या है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था 18 जनवरी 2000 में, जैसे आपको पता है गूगल स्टार्ट हुआ था 1998 में। ओके, तो 2 साल बाद ही चाइना ने ये अपना ऐप लॉन्च किया था, बाइडू ऐप सर्च इंजन। एक बार आप देख लेना, ये बैन हो चुका है, हो सके तो कल से ही आपके फ़ोन और आईफोन में अवेलेबल ना हो। ओके फ्रेंड्स, एंड दोस्तों इसे इसके फाउंडर थे रॉबिन ली, जो कि इन्होंने ये ऐप बनाया था। एंड दोस्तों अच्छा किया, ये काफ़ी ऐप नहीं चल, इससे दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेशन लीक होती थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते थे, जो कि इंडिया में और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे। तो दोस्तों ये गलत था, अच्छा हुआ ये बैन किया ऐप और नहीं करना चाहिए था। एंड दोस्तों इसी तरह से और भी, अभी धीरे धीरे न्यूज़ में सुनने आया कि पबजी भी बैन होने वाला है और शायद और भी 127 ऐप इंडिया बैन करेगा चाइना के लेकर। जैसे अब चाइना लॉन्च कर रहा है अपने थर्ड पार्टी ऐप, जैसे कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि थर्ड पार्टी ऐप लॉन्च कर रहा है। एक स्नैक वीडियो ऐप है, वो भी चाइना का ऐप है, बट गवर्नमेंट इसी टाइप से वर्क कर रही है। जैसे जैसे अब चाइना सोच रही है कि चाइना को वो डायरेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता अपने ऐप चाइनीज इंडिया में, तो वो दोस्तों थर्ड पार्टी के ऐप के थ्रू अपने ऐप लॉन्च कर रही है। तो इसी पे दोस्तों गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फाइन कर रही है कौन कौन से उनके चाइनीज ऐप है और उन्हें जल्दी से जल्दी बैन कर रही है। ओके फ्रेंड, एंड आई होप आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड कोई डाउट इंक्वायरी तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड, स्टे होम स्टे सेफ।